ये तो मोदी नरेंद्र मोदी आए तो बहुत बढ़िया है। इस जैसा बंदा देश के अंदर बहुत आए बहुत गए, इसको डर नहीं है किसी चीज़ का। जो काम करना बेधड़कों के कर देता है, ये करना ही है। इसको अपनी मौत का खेल का कोई पता नहीं, चाहे योगी है चाहे मोदी है। तुमने क्यों हमारे मुंह का भी जाएगा खराब कर दिया। राहुल गांधी का नाम लेते ये लोग हंसने लगते हैं। मतलब ही नहीं होता। इन्होंने तो हमेशा अपने यही भरा ही भरा है और कुछ नहीं किया। कहना चाहिए मोदी चोर है, 25 साल हो गए हाथी पार्क के पैसे खाते खाते ने कृपा जयंती मोगा रहा, सबने पैसे खाए मोदी सरकार ने। सही बोल रहे हैं। क्या बोला आपने? बेरोजगारी खत्म कर दी, अग्निवीर 4 साल की कर दी, सब पैसा अपने भरने में भर दिया सारा। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, जो मोदी सरकार पैसा लगा रही है, हम आपका हमारा ही तो लगा रही है, आपका अपने जेब से लगा रही है ना, लगा रही ना वही तो। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम लोग बस के अंदर मौजूद हैं, डीटीसी की ये बस है जहां पर आप ये तमाम लोग देख सकते हैं। आखिर इलेक्शंस को लेकर क्या माहौल है, क्या ये सोचते हैं, क्या ये समझते हैं कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बने, इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। चलिए तो थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, हल्की सी भीड़ है लेकिन फिर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? गांधीनगर। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव है 24 में, वोट तो डालते ही होंगे आप? नहीं, इस बार पहली बार। क्या लग रहा है आपकी, जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार है? जिसने काम किया होगा उसी की सरकार आएगी। किसने काम किया, क्या लग रहा है, मोदी जी वापसी अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, अगर उन्होंने काम किया है तो बिल्कुल बन सकते हैं, हाँ, नहीं किया है तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बनेंगे। जहाँ तक है तो बिल्कुल बनना चाहिए उनका। काम ऐसा किया है कि वो बन सकते हैं तीसरी बार का? जी, मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो बन सकते हैं। आप क्या सोचती हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अब की बार? मोदी जी ने काम तो बहुत किया है, इंडिया के लिए तो बहुत किया है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। बट बहुत सा क्या होता है, जो चीज़ें नहीं दिखती है ना, जो मीडिया क्या होता है, मीडिया बहुत चीज़ें नहीं दिखाती है, और ऐसा होता है भी कि सरकार भी इस चीज़ को नहीं दिखाती है, जो बाहर नहीं दिखता तो सरकार उस चीज़ पर काम भी नहीं करती है। छोटी मोटी जो आजकल देख रहे आप गरीबी हो रही है, मैं जिस गरीब जो छोटे मोटे शहर जो ये बसे हुए ना इस तरीके के एरिया में, सरकार वहाँ बिल्कुल काम नहीं करती। आप स्लम्स की बात करें? हाँ जी, हाँ, सरकार बिल्कुल काम नहीं करती उनके लिए। ऑल इंडिया के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है, इस चीज़ को तो किया है, बट छोटी मोटी चीज़ों पे भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मतलब उसकी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा अगर छोटी मोटी चीज़ों पे? हाँ, अगर छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो शायद हमारी इंडिया पे बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर छोटे अगर बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो इंडिया के फ्यूचर के क्या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर छोटी छोटी जो बच्चे ना आजकल गरीब रह जाएंगे, वो बड़े होंगे फिर आगे भी वो बड़े होंगे, तो जो जनरेशन है ना पूरी गरीबी में निकल जाएगी। अगर उनको ही एजुकेट किया जाए तो ये आगे इंडिया के लिए कितना अच्छा रहेगा, तो उस चीज़ पे ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं चाहती हूँ मोदी सरकार आए, बट मोदी सरकार इस चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान दे। अच्छा, करते क्या है आप? वैसे तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ? अभी तो इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ जी, कहाँ जा रही हूँ? बस पे जा रहे हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? बस जा रहे वही जा रहे हैं, झील जा रहा हूँ। अच्छा। क्या लगता है आपके पास किसकी सरकार बनेगी? अब वो तो जनता पे ऊपर है कि किसकी सरकार बनेगी, जनता किसकी सरकार बनवाना चाहती है बनेगी? ये कोई भविष्यवाणी है, ये आपको कौन पसंद है? अच्छा, राहुल गांधी पसंद है? हमको सब पसंद, जो जीते जो सेवा करे वही सही है। आप क्या चाहती हैं किसकी सरकार? केजरीवाल की। केजरीवाल लेकिन अभी जेल में है और 15 अप्रैल तक जेल में ही रहने वाले हैं। हाँ जी, तो मतलब चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। हाँ जी, लेकिन जेल से कैसे सरकार चला पाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, चलाएंगे। मतलब दिल्ली की जनता को केजरीवाल का काम पसंद? हाँ जी बिल्कुल। क्या काम करा है ऐसे जनता? उन्होंने बहुत कुछ किया है, जैसे बहुत सारे काम जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने निभाए हैं। हाँ जी, और दूसरी सरकारों के भी वादे तो बहुत हैं लेकिन उन्होंने कुछ निभाया नहीं, कुछ नहीं करा उन्होंने, चाहे थोड़ा सा ही किया लेकिन किया बहुत कुछ। मतलब जब जेल से पहले जब तक वो थे तब तक अच्छा काम? हाँ जी, हाँ जी, अभी भी वो करना चाह रहे हैं, जेल में से भी करना चाह रहे हैं। कौन नहीं करने दे रहा है जेल? क्यों गए? सही गिरफ्तारी हुई? ये तो देखो हमें इतना नहीं मतलब पता कि कौन नहीं चाह रहा,
लेकिन उनको कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ उन्हें नहीं चाह रहे कि वो नेता बने, मतलब सीएम बने, सरकार गिरे। अच्छा मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचती है, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे वो? देखो हमारे सोचने ना सोचने तो कुछ भी नहीं पता हमें कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं है। सरकार तो मोदी जी ही बन जाते हैं, चाहे वो हम लोग चाहें चाहे ना चाहें, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? कोचिंग चल रही है। वोटिंग 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 करते हैं नहीं करते हैं? अच्छा सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार काम तो बढ़िया कर रही है, लेकिन हाँ। अपने मतलब के लिए कर, मतलब के लिए कर। मोदी जी अपने मतलब के लिए कर। मैं तो जेल जा रहा हूँ। और करते क्या हैं? मैं तो डिपो में जॉब करता हूँ। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी की बनेगी। हाँ ये इस बात बनेगी वो, क्योंकि 7 सीटों से कुछ तो ही ना हो जाता, पूरा ऑल इंडिया का नाश सर पे, मोदी जी की सरकार बनेगी। क्या काम करा है ऐसा मोदी जी ने कि अब की बार उनकी सरकार? मोदी जी काम करा ना करा वो उससे नहीं देने, लेकिन एक दिल्ली के 7 सीटें चली भी जाएगी ना, बाकी जगह तो सीटें है ना, उससे बन जाएगी सरकार। बीजेपी में काम अच्छा वगैरह? अच्छा भी हुआ है, कुछ गलत भी हुआ, सब ऐसी है। गलत क्या हुआ है थोड़ा सा? गलत होते रहते हैं, थोड़ा सब चीज उगल देना तो अगले दिन रिमांड पे चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, कैसे चले जाएंगे आप? चले जाते हैं। अच्छा केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, दिल्ली के लिए कैसा काम कर? ठीक ही है, सही। अभी बोले प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी है या फिर उनके अलावा कोई टक्कर में है उनको? कोई टक्कर नहीं। राहुल गांधी? नहीं नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही है। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो गठबंधन में, गठबंधन में हो चुके हैं। मोदी जी बनेंगे, आप छोड़ दीजिए जिसको मर्जी कह दीजिए। योगी जी, इसके बाद योगी प्रधान है, क्लियर बात। योगी जी का काम अच्छा है? अरे योगी जी बेस्ट आदमी है, ऐसे बात बहुत अच्छा है। अच्छा दिल्ली में आप जैसे केजरीवाल जेल में? ठीक है केजरीवाल जी, ऐसे कोई जेल से सरकार चलाएंगे? कानून में तो नहीं लिखा हुआ है, कानून में तो जेल से भी चला सकते सर। काम करते जा रहे हैं अभी? हमारा तो रिश्तों का काम है, शादियों का। अरे क्या बात, जिसका नहीं होता वो बताओ हमें। 18 साल से लेके 40 साल 60 साल का बंदा चाहिए हमें तो। अच्छा मुझे बताइए अब इलेक्शन है, चुनाव है, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बनवाना चाहती है जनता? यार ये तो मोदी, नरेंद्र मोदी आए तो बहुत बढ़िया है, एक जैसा बंदा देश के अंदर बहुत आए बहुत गए, इसको डर नहीं है किसी चीज़ का, जो काम करना बेधड़कों के कर देता है, करना ही है इसको, अपनी मौत का खेल का कोई पता नहीं, चाहे योगी है चाहे मोदी है। लेकिन ऐसा मैंने अपनी उम्र के अंदर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा बेधड़क होके जो छाटा मार दे एकदम ही। लेकिन जब तक सूरज चांद रहे मोदी का नाम रहे। क्या बात है, क्या काम कर रहे हैं बीजेपी ने कि अब की बार सरकार दिल्ली की जनता बनवाएगी बनवाएगी? ये कुछ नहीं कह सकता, पलटा कल का क्या होना है, ये पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक को अभी वही ढोल बजते हैं जनता में, वही बनते हैं कांग्रेस में, पब्लिक तो वही होती है, शाम के हो रहे हैं दिन के हो रहे हैं। अब 14 तारीख किसी ने रख दी वो 14 तारीख में घुसेंगे, किसी ने 18 तारीख किसी, पब्लिक तो वही है ना ढोल बजाने वाली, पब्लिक तो अलग नहीं है ना। लेकिन आना चाहिए मोदी को। अच्छा टक्कर में राहुल गांधी है क्या, टक्कर दे सकते हैं पीएम उम्मीदवार के तौर पर? ये उसकी किस्मत है, ये उसकी किस्मत है, उसके पीछे से माँ की उसकी किस्मत है जो खानदान से चलती आई है परिवार में से, ये इसको कुछ नहीं कोई कह सकता। दो आदमी सही भी है और उसके साथ में एक अलग भी है, परिवार तो पीछे से लेके चल रहे हैं ना। अब केजरीवाल है, केजरीवाल को कल को कोई लड़की आती है या उसकी घरवाली को लेते हैं, सोच समझ के खानदानी तो वही तो आएगी ना, उसको वो कहेंगे जैसा ये है वैसा वही होंगे, लेकिन पीछे से ये ख्याल आएगा उसका। अच्छा ये बताइए अब तक कितनी शादियां करवा चुके हैं? अपनी उम्र के अंदर बाल भी नहीं गिन सकते और पिछले जो मर गए हैं तो हरिद्वार से उनके नाप भी नहीं, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। क्या बात है, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। ये वालों की गिनती और प्रबुद्ध हैं जो हरिद्वार के, उनको भी नहीं पता ये पीढ़ी किसने चलाई है, और वो भी नए से नहीं आए हैं, वो कहेंगे जी इस महीने में तो इतने आए हैं, इस महीने में इतने आए हैं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है अंकल, चुनाव है आपकी बार, क्या लग रहा है किसको वोट डालेंगे आप? भाई हम तो बीजेपी बोल रहे हैं। क्या काम कर रही है सब बीजेपी जो बीजेपी को वोट देंगे? वो क्या काम कर रही है ये तो हर एक जानता है, उसने कोई खाना तो है नहीं, वो जो भी उसने जितने काम किए हैं ना अभी तक किसी ने नहीं किए।
क्या काम कर दिया ऐसा बीजेपी ने? क्या काम कर दिया? पहले सड़कें देखो उसने कितनी चौड़ी चौड़ी बनवा दी है, समझ गया? और कौन सा काम किया तो जो उसने नहीं किया? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी पब्लिसिटी नहीं है, जो हमने देखा है वो हम बात करते हैं। गाड़ी लेके जाते हैं ना, हम देखते हैं पहले सड़कें कितनी थी, अब कितनी चौड़ी चौड़ी हो गई है। हाँ और अब क्या, और चलिए महंगाई जो है ना इतनी कंट्रोल कर रखी है, दूसरे मुल्कों में देखो जा करके कहाँ से कहाँ पहुँची है। मतलब टक्कर में कोई नहीं है क्यों? इसकी टक्कर में कोई नहीं है, मोदी की टक्कर में। हाँ जी, राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे तुमने क्यों हमारे मुंह का भी जाके खराब कर दिया? राहुल गांधी का नाम लेते ये लोग हंसने लगते हैं। मतलब ही नहीं होता, इन्होंने तो हमेशा अपने यही भरा ही भरा है और कुछ नहीं किया। केजरीवाल दे पाएंगे टक्कर? नहीं दे पाएगा, इसने जो है फैक्ट ये है। और नहीं तो देखो, जो आदमी कुछ भी करता है, गलत काम करता है ना, वो अपने सफाई पे खुद करे। वकील इसने हुआ 600 वकील उसने बना लिए किस काम के, सब उसको बचाने के लिए है और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आपकी बार, आपकी बार किसकी सरकार? मैं किसके बारे में? आप अभी तो बड़ा राहुल गांधी के नाम पे हंस रहे थे, बोल रहे थे पप्पू, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? डर गए क्या? हमें बहुत डर गया, डरा हुआ देखो पसीने आ गए देखो। बोल दीजिए, बता दो जनता क्या चाहती है। मैं कुछ नहीं कहता। ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली में कहाँ पे रहते? गीता। अब काम क्या करते हो आप? मेरा फुटवेयर का काम है। तो वोट किसको डालेंगे अब? ये गुप्त है, गुप्त। तो किसका सरकार का काम, कौन सी किसकी सरकार का काम आपको पसंद आया? बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी, ये बताइए। इस तरह तो वैसे बीजेपी का कोई कंपटीटर नहीं है। नहीं, नहीं। उसको तो उसके अलावा तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। सुलझी हुई पार्टी। राहुल गांधी भी नहीं है क्या? वो तो बिल्कुल निकम्मा, उसको बोलना ही नहीं आता, कुछ नहीं आता बस। चलो ठीक है, आगे चलो जरा। क्या बनते? मैं किरपु गवर्नमेंट का काम करता हूँ। कहाँ रहते हैं? महिला कॉलोनी। ये बताइए, अब 24 में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी, क्या माहौल क्या है ये बताओ? हवा कहाँ है? हवा इस टाइम तो मोदी की है, मगर कहना चाहिए मोदी चौक रहे 25 साल हो गए हाथी पार्क के पैसे खाते खाते इन्हें। कृपला जयंती मोगा था, सबने पैसे खाए, मोदी सरकार ने 1 रुपया नहीं लगाया, हम पार्टी ने पैसा लगाया, बंकार ने पैसा लगाया। वहाँ पे महिला कॉलोनी में हाथी पार्क को हर साल टेंडर पास कराते हैं, 5 साल के बाद 1 रुपया नहीं लगाते, समझे? ये बदनाम करते हैं आम पार्टी को, आम पार्टी ने पैसा लगाया वहाँ पे, ये पैसे नहीं लगाया एक भी। हाथी पार्क में जाके पूछो महिला कॉलोनी, मोदी ने क्या करा? काम रोजगार चाहिए, काम दिया है ने? अपने वादे से भी झूठ गया, किसी को काम नहीं दिया। जो आम पार्टी भी है, जो आम कमाते हैं, डेली काम नहीं मिलता, जब से बैठा काम नहीं मिलता हमें, हम तो बच्चे वाले रहते हैं भूखे प्यासे हम रहते हैं, काम कहा दिया इन्हें? नहीं दिया, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, इन्हें काम नहीं है, नौकरियां खत्म कर दी सारी, मतलब क्या काम करेगा मोदी? मोदी चोर है, करे काम चाहिए, रोजगार चाहिए सबको। जैन क्या बोल रहे थे आप? सही बोल रहे हैं। क्या बोला आपने? बेरोजगारी खत्म कर दी, अग्निवीर 4 साल की कर दी, सब पैसा आपने भरने में भर दिया सारा। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, जो मोदी सरकार पैसे लगा रही है, हम आपका हमारा ही तो लगा रही है, आपके अपने जेब से लगा रही है ना, लगा रही ना। देखिए हम लोग बस में इस वक्त मौजूद थे जहाँ पर दिल्ली की जनता का क्या मूड है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी, तो आपने देख ही लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, 7 चरण में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे जो है वो 7 जून को आएंगे। आखिर किसकी सरकार बने, आप क्या चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से पीएम बने, या फिर आप भी कोई नया चेहरा अब की बार प्रधानमंत्री पद पर देख रहे हैं? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताए। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।